हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल वॉट्स कुकिंग में स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो है बैगन के पकोड़े। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश कोकोनट, अदरक लहसुन और दो हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा। आप यहाँ पे चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बैंगन के पकोड़े है तो बैंगन तो होना ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बड़े बैंगन का इस्तेमाल किया है। तो यही सारी चीज़ें लगने वाली है, तो चलिए झटपट ये रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मिक्सिंग जार, और इस मिक्सिंग जार में हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, और इसकी हम बहुत ही अच्छी पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच। अगर गलती से इसमें ज़्यादा पानी चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें बाद में बेसन डालेंगे। और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसकी बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आपने देखा, ये पेस्ट रेडी है। पेस्ट रेडी होने के बाद हम बैंगन को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर राउंड में इसे कट कर लिया है। बैंगन के जो स्लाइस है वो ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। इसे कट करने के बाद हम इसे पानी के अंदर डालेंगे ताकि ये जो बैंगन है वो काला ना पड़े। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पानी के अंदर रखेंगे और इस पकोड़े का बैटर रेडी करेंगे। बैटर रेडी करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे ये पेस्ट जो हमने बनाई है, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और फिर हम इसमें डालेंगे बेसन 3 चम्मच। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डालने की वजह से इन पकौड़ों को एक बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अगर आपको ये पकौड़े थोड़े से स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही हरी मिर्च डाली है। स्वादानुसार नमक, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और डाल सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो पकोड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए। बैटर रेडी होने के बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन के ये जो सर्कुलर स्लाइस, और इस बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए हम लेंगे एक फ्राइंग पैन, और इसके ऊपर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे स्लो ही रखना है, और स्लो फ्लेम पे हम इन स्लाइस को शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे शैलो फ्राई किया है। ये बैंगन के पकोड़े शैलो फ्राई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 से 7 मिनट लेते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी लगते हैं। बच्चों को वैसे भी बैंगन पसंद नहीं आता, तो आप इसे इस तरह से अगर बना के देंगे तो वो बहुत ही आसानी से खा लेंगे और उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि ये बैंगन के पकौड़े हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आपने देखा, एक साइड में बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, तो ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हमें दोनों साइड में आना चाहिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे स्लो ही रखना है। जब दोनों साइड में गोल्डन कलर आ जाए हम इसे निकाल लेंगे, और ट्रस्ट मी, ये बैंगन के पकोड़े बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लगते हैं, और बच्चों को बैंगन खिलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि ये कैसी बनी है।
तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।